श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 डिफरेंशिएशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और यह कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक पार्ट है बच्चों, जो कि चैप्टर 5 से रिलेट करता है। तो बच्चों ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे एग्जाम में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करना हो ना तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हर एक फॉर्मूले का वो हम आपको बताएंगे और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है और सभी सवाल आपको समझ में आने वाले हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो उसमें हर एक फॉर्मूले से रिलेट करने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम कवर करेंगे कि ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला फॉर्मूला हमारा जो होता है डिफरेंशिएशन d/dx, क्या लिखेंगे d/dx। आप देख सकते हैं बच्चों dx लिखने का क्या मतलब है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे जो x लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे जो x लिखा है इसका मतलब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो किस टाइप का है, x की पावर n टाइप का है, ठीक है। तो x की पावर n मतलब अगर यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ x होना जरूरी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो x की पावर n हमारा क्या इंटीजर नंबर है, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई भी नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसकी पावर को आगे लाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों n x की पावर n माइनस 1 लिख जाएगा, यानी n आगे लिखेंगे फिर x की पावर में जो n है ना बच्चों उसी से 1 माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों d/dx x की पावर 5, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो x यहां पे भी x की पावर कितना है n, यहां 5 है, तो बच्चों ये 5 आगे आएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर है, अरे आपका आंसर आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे लिखा है d/dx ऑफ रूट x, क्या लिखा है रूट x, लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं रूट x हो या क्यूब रूट x हो या फिर nth रूट x हो, उसको कैसे करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए, अगर x कोई भी डिफरेंशियल अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसको x की पावर n में रखना जरूरी है। किसमें रखना जरूरी है, x की पावर n में बनाना जरूरी है। तो x की पावर n नहीं है बच्चों ये, तो हम इसको क्या करेंगे d/dx ऑफ रूट को हटा के लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। अगर मान लीजिए क्यूब रूट x लिखा है तो बच्चों 1/3, फोर्थ रूट x लिखा है तो 1/4, अगर फिफ्थ रूट लिखा है तो 1/5, ऐसे nth रूट x लिखा है तो 1/n, यानी जितने रूट वाले वैल्यूज होते हैं ना वो वैल्यूज उल्टे लिख जाते हैं बच्चों और फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए x हमारा कुछ इस टाइप का हो गया है, अब पावर में जो n है वो देख रहे हैं आप 1/2 है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे 1/2, और इसी n में यानी 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे 1 माइनस करेंगे बच्चों, तो 1/2 में 1 माइनस करने का मतलब -1/2। अब थोड़ा सा यार सॉल्व करना आना चाहिए, क्या कि 1/2 आपने लिखा है चलेगा, x की पावर -1/2 ऊपर नेगेटिव है बच्चों, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से लिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये वापस x की पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सॉल्व करना भी आना चाहिए सवाल को, नहीं तो आप कहेंगे मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। तो बच्चों एक चीज हम और यहाँ सिखाना चाहते हैं कि कभी भी अगर आपको रूट का डिफरेंशिएट करना हो, कभी भी रूट का डिफरेंशिएट करना हो तो आप क्या पाते हैं, देखिए 1/2 रूट x, यानी x वाला नंबर एज इट इज वही आ जाता है, यानी कि रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट x, ठीक है ना। तो और भी हम कुछ सवाल लेते हैं इसी पर, इसी फॉर्मूले पर बच्चों, इसको आप नोट करते रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा वीडियो को पॉज करके। जैसे मैं एक और सवाल लेता हूं बच्चों d/dx, ठीक है, अब मैंने ले लिया x की पावर 4, ठीक है, और माइनस का x की पावर 3/2, अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो बच्चों कैसे करना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx का अंदर इंटू कर लीजिए,
यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और ये देखिए 1/x^3/2 हमने अभी बोला है कि एक्स नीचे नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, ऊपर होना चाहिए, तो ये ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो x^-3/2 अब हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको हम 4 आगे लाएंगे, इससे एक पावर माइनस करेंगे, इसका -3/2 आगे लेंगे बच्चों, तो ये +3/2 हो जाएगा इसमें इंटू करके, फिर उसमें से एक और माइनस कर देंगे बच्चों इस तरह से, तो ये आपको कितना मिलेगा आप बता सकते हैं बच्चों, 4x³ और +3/2 x^2 हो जाएगा -5/2, ये 2 एलसीएम होके ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है बच्चों, तो -5/2। आप और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो इसको एक्स को आप नीचे ला सकते हो, तो x^5/2 हो जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा, नहीं तो ये भी आपका आंसर सही है। तो ये चीजें हैं, मतलब x^n के सवाल इस तरह से आपको लगाने होते हैं बच्चों। तो और हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं बच्चों, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, t/dx(c). अब आप कहेंगे ये c क्या है, ये c क्या है, c मतलब बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू से है, किससे है, और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब आप कहेंगे हम पहचानेंगे ये सर कैसे, बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे वेरिएबल क्या है x, अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर उसमें x नहीं आ रहा है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, देन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है वो अकेले कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब से 2, 3, 4 है ना, ऐसे कोई भी वैल्यू a, b, c, d, मतलब जिसमें x ना आ रहा हो, जिसमें x ना आ रहा हो और वो वैल्यूज का कांस्टेंट माना जाता है, और कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है 0 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया बच्चों t/dx(5), तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x ही नहीं है, तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते बच्चों। फिर d/dx अगर आपका मान लीजिए ऐसे लिखा है 3/2, तो ये भी 0 होगा, d/dx(√a) ये भी 0 होगा, d/dx(sin a) तो ये भी आपका 0 होगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यानी कि कहीं भी आप देख सकते हैं कि इसमें x है ही नहीं, तो x है नहीं तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, हर एक फॉर्मूले पे हम आपको सवाल बताएंगे बच्चों, बस हमारे साथ बने रहिए, और आज के बाद आपको डिफरेंशिएशन दिक्कत नहीं करेगा यार, पक्का है, वादा करता हूं। अच्छा बच्चों मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए यही कांस्टेंट सी जो है किसी वेरिएबल के साथ, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स के साथ अगर इंक्लूडेड हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया t/dx(cx), ठीक है, cx^n, मतलब x^n कुछ भी हो सकता है यार, यानी एनी फंक्शन हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं, x ही नहीं कोई और फंक्शन हो सकता है, c(f(x) हो सकता है, हम यहाँ पे f(x) भी लिख सकते हैं, f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, कॉन्स्टेंट को आगे लेना है इस तरह से, d/dx(x^n) कर देना, और x^n का डिफरेंशिएशन एज इट इज करना है बच्चों, कुछ नहीं है, आपको इतना आना चाहिए, समझ में आ गया ना, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएट अकेले कर रहे हैं तो 0 होगा, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है और वो वेरिएबल आपके डिफरेंशिएट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना होगा, उस कांस्टेंट को आगे लेना होगा, उस कांस्टेंट को क्या करना होगा, आगे लेना होगा। इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही है, तो आपको इस तरह से बताया गया है, बस इतना इसमें सीखिएगा। और बच्चों देखिए इस पर हम एक सवाल लेते हैं, जिसे t/dx लिखा है 5x². अब आप देख सकते हैं इनकी जगह यहाँ 2 हो गया, ये आप देख सकते हैं c हमारा 5 हो गया है, या हम -5 भी ले लेंगे ना, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या होता है कांस्टेंट को आगे करेंगे -5 को, और डिफरेंशिएशन x² का करेंगे, तो अभी तो x² किया था, x^n, तो n कहां जाएगा, इंटू करेंगे बच्चों इसी के साथ, तो 2 आगे लेंगे, फिर उसमें से 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2, 5 जा कितना हो गया बच्चों 10, 2 में से 1 जाएगा, 1 से 1 लिखा नहीं जाएगा ना बच्चों, तो ये आपका आंसर है यार, ये आपका आंसर है। अब -5 भी हो सकता है बच्चों, ये ऐसे भी लिख सकता है 1/2x। अब आप कहेंगे 1/2 कहां जाएगा, तो 1/2 बच्चों आगे हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, x का होगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, देखिएगा अभी
यहां पावर कितनी है इसकी, 1, 1 आगे लिखेंगे 1/2 में इनटू करेंगे, ऐसे करेंगे ना, फिर उसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, तो 1/2 का 1 में इनटू 1/2 एक्स की पावर 0। अब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वैल्यू का मान 1 हो जाता है, एक्स की पावर 0 का मान क्या हो जाता है 1, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो मान कितना होता है 1 होता है। बच्चों उम्मीद है आपको ये जो फॉर्मूले हैं और उन पर जो सवाल है वो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल लेते हैं, और भी फॉर्मूले लेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप उसकी एग्जांपल को नोट करते रहिए बच्चों। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो बच्चों ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल एज इट इज वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, मतलब आप देख सकते हैं ई की पावर एक्स रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ले लिया बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर, अब एक्स है तो एक्स ही रहेगा ना, अगर हम कुछ चेंज कर देंगे तो क्या होने वाला है, जैसे ई टू द पावर एक्स तो ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने ले लिया 5x, ई टू द पावर 5x ले लिया, तो अब पहले आपको समझना चाहिए बच्चों कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो कुछ देर के लिए हम इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ई की पावर एक्स। आप देखिए e की पावर x, x हमारा क्या है 5x है, तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, e की पावर 5x का डिफरेंशियल e की पावर 5x होना चाहिए, होगा होगा ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि एज इट इज हो जाता है। तो बच्चे पता है एक चीज यहाँ पे और होती है क्या, कि इस x का दोबारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है जो दिखाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन तो अभी आपने निकाला है 1 हो जाता है, तो x * 1 यानी e की पावर x होता है, की पावर एक्स तभी तो आता है, इस एक्स का यानी यहाँ पे जो भी होता है फंक्शन, मतलब जो भी वैल्यू है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 5x, तो मैं यहाँ पे अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ था बच्चों, क्योंकि अगर इनकी पावर एक्स होता है तो सिंपली वही लिख जाता, तो फॉर्मूले से जो भी हट के आएगा उसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इनकी पावर 5x में हो गया 5, इनकी पावर 5x और 5x का हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए, मैंने अभी भी आपको सिखाया था कि कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के साथ अगर इनपुट में है तो आप कांस्टेंट को आगे करेंगे, तो 5 आपका कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आगे लिख जाएगा यहाँ पे, और इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, अभी भी आपको सिखाया है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x की पावर 1, 1 आगे आएगा 1-1, 1-1 मतलब x की पावर 0, 0 का मान 1। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट हम बता रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो और इस पे एक सवाल ले लेते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया, तब क्या करेंगे, e to the power root x लिख दिया, ऐसा लिख दिया तब क्या करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, आप अपने फॉर्मूले को गौर से देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए डिफरेंशिएशन इसका e की पावर x का e की पावर x होता है, और कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है बच्चों, e तो आपका एज इट इज वही है, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है रूट x आ रहा है, तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, e की पावर रूट x बिल्कुल एज इट इज वही लिख जाएगा, फिर उसके बाद डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, ये देखिए लगाएंगे ना, फिर ये x जिस पर हमने गोला किया है यहाँ पे x की जगह गोला क्या है रूट x है, तो यहाँ पे आप रूट x लगा देंगे बच्चों, और ये लिख जाएगा e की पावर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, 1/2 आगे x की पावर 1/2 -1, यानी -1/2 नीचे लाएंगे तो 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन आप याद रखिए ना, सीधा सीधा हो जाता है 1/2 रूट x, तो 1 का इनटू इसमें करेंगे वही रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा 2 रूट x, बस यही आंसर है, e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि रूट x ही हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है यार, वहां पे x का कोई भी फंक्शन, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x उसमें होना जरूरी है, चाहे भी वो e की पावर रूट x हो, साइन x हो, कॉस x हो, टेन इनवर्स x हो, ये चीज x होना उसमें जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बच्चों। लेकिन स्टार्टिंग आप देखिएगा e से है, तो बाद वाली जो वैल्यू होगी ना पूरा x माना जाएगा, फिर चाहे वो जितनी बड़ी, बात को समझ रहे हैं ना। तो हम आगे और भी सवाल बताएंगे, पर अभी तो फॉर्मूले बेस पर हम सवाल बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ
log x, यहाँ पे डीएक्स में e रहता है बच्चों, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x। अब हम कुछ फॉर्मुलाइज कर लेते हैं, कुछ सवाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों यहाँ लिखा है d अपॉन dx, अब फॉर्मूला ही तो नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले से थोड़ा हटा के लिखेंगे, जैसे लिखा है log 2x, क्या लिखा है बच्चों log 2x, ये log की ही वैल्यू है और इसका डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों हमने अभी आपको बताया है कि x का हर बार दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है, ये चीज आपने दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। जिसको भी आप जहां जो x की जगह आएगा वो पूरी वैल्यू हम x मान के उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है बच्चों। तो देखिए ये लॉग है, स्टार्टिंग लॉग से है तो बाद वाली पूरी वैल्यू x होगी, ये पूरी वैल्यू हमारी जो ब्रैकेट में है वो फिर चाहे जितनी बड़ी हो वो पूरा x होगा बच्चों, क्या होगा x होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by x। अब आप कहेंगे यहाँ 2x लिख दिया, अरे यार यहाँ पे x थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो 2x लिखा है, तो 1 by 2x से तो लिखा जाएगा, तो यहाँ पे log x का 1 by x इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ x है, तो यहाँ पे 1 by 2x हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारा कॉन्स्टेंट है तो 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, ये समझिएगा। तो अब हमें क्या करना है, फिर d upon dx वापस लिखना है, अब हमें इसका 2x का डिफरेंशिएशन करना है, बस यही ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग log से है तो उसके बाद वाले को x माना, तो log x का डिफरेंशिएशन ये हो गया, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इस तरह से करना है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, 1 by 2x लिखा रहेगा, 2 और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 से 2 काट दीजिए कितना आएगा 1 by x, यानी कहने का मतलब है log 2x का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया 1 by x हो गया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको और भी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, d अपॉन dx ऑफ, देखिए a की पावर x, क्या लिखा हमने a की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, a की पावर x ओके log e a, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हम कहेंगे, अब आप कहेंगे कि यार इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो बच्चों देखिए आपको समझना होगा, x तो हम नहीं बदल सकते हैं लेकिन कॉन्स्टेंट तो बदल सकता है ना, जैसे यहाँ पे a लिखा है तो a की जगह तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x तो हमारा कोई भी फंक्शन x का हो सकता है, x मतलब x का कोई भी फंक्शन हो सकता है बच्चों, जैसे sin inverse x, tan x, ठीक है, और ऊपर 2x भी हो सकता है, जब भी एक्सप्रेशन में 2x आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो a की पावर x मतलब हम इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करें, 2 की पावर x, अब आप देखिए मैचिंग कर रहा है बच्चों, a की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर x, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए आप 2 की पावर x मतलब 2 की पावर x एज इट इज लिखा रहेगा, फिर क्या लिखेंगे log e a, a हमारा मतलब ये वाली वैल्यू वापस, यानी 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे वापस, आंसर हो गया बच्चों, क्या हो गया आंसर, यानी इस फॉर्मूले का सवाल आपको इस तरह से लगाना है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आएगा बच्चों, जरूरी नहीं है कि a की जगह आपको 2 ही मिलेगा, अदर वैल्यूज भी मिल सकते हैं, 3 मिल सकता है, -1/2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, ठीक है, √2 मिल सकता है, √3 मिल सकता है, इस तरह से कोई भी आ सकता है। हाँ कभी कभी अगर बच्चों ये हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे x का दोबारा करते हैं बच्चों, हर बार x का होता है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं आता है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है ना, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं फॉर्मूले में बच्चों, जैसे यहाँ लिखा 2 की पावर 5x, ठीक है, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर 5x रहेगा भाई, एज इट इज पूरा वही तो लिख जाता है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे log बेस में e, और e की जगह फिर क्या है 2 है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा था आपने, ऐसे यहाँ पे भी अभी 2 ही है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, तो x का 1 हो गया, लेकिन यहाँ 5x है तो d upon dx 5x का करेंगे तो यहाँ लिख जाएगा 2 की पावर 5x, और ये जो 5 है बच्चों कांस्टेंट है, आगे ले आइए, ठीक है, x का 1 हो जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज पूरा लिख जाएगा, ये आपका आंसर है। मतलब अगर पावर में जो आप x की जगह देख रहे हैं ना, ये x था ना, x की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब 5x हो सकता है, रूट x हो सकता है, ये चीजें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फॉर्मूले से हटके आती है x की जगह, यानी x की जगह जो भी आता है वो हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन बच्चों ये तो a है, तो a हमारा जहां जहां आता है इस फॉर्मूले में, जैसे यहां है तो यहां, और यहां आया तो यहां लगा दिया जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ रहा बच्चों, d अपॉन dx
ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब हम साइन पर सवाल लेते हैं बच्चों, तो ये देखिए डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, जैसे यहां लिख गया साइन 2x, क्या लिख गया साइन 2x, क्योंकि हम साइन x ले लेंगे बच्चों, तो दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला ही जो है, फिर फॉर्मूला ही लगा दोगे क्या फायदा है, हम हट के ले रहे हैं ना, साइन और x की जगह मैंने क्या लगा दिया 2x। तो जब साइन 2x ले लेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा, देखिए याद रखिएगा स्टार्टिंग साइन से है तो बाद वाला x है ही है, तो ये तो पूरा ऐसे लिख गया, अब स्टार्टिंग साइन से तो ये पूरा x हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos और x की जगह है 2x, ये लगा दिया। अब यहाँ पे x का दोबारा डिफरेंशिएट किया गया था d upon dx of x, x का मान 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x है, तो 2x का दोबारा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप चाहे d upon dx लिख कर बताएं और चाहे आप डायरेक्टली कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, 2x का करेंगे तो देखिए 2 कॉन्स्टेंट है बच्चों, आगे आ जाएगा x का क्या होता है, इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, यानी sin 2x का डिफरेंशिएशन कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे 2 cos 2x, ध्यान रखिएगा बच्चों। और ऐसे भी तो हो सकता है d upon dx of sin x square, हमने अभी आपको बताया कि आप ये देखिएगा कि स्टार्टिंग किससे है, स्टार्टिंग जो भी फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, जो फॉर्मूला आता है आप देखिए, इसका फॉर्मूला स्टार्ट कहां से हो रहा है, x से, इसका c ही है, इसका c x की पावर n है, इसका देखिए स्टार्टिंग e है, तो इसका स्टार्टिंग log है, इसका स्टार्टिंग a है, इसका स्टार्टिंग sin है, तो जो स्टार्टिंग है उसको पकड़िए और बाद की पूरी वैल्यू को x मानिए, बात खत्म, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे e है अभी की पावर में e x लिखा, तो स्टार्टिंग e से है और जो पावर में वो पूरी वैल्यू x है, चाहे फिर वो x लिखा हो, चाहे छोटा लिखा हो, चाहे फिर बहुत बड़ी वैल्यू में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर आपको x ही मानना होगा, तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे आप, बात को समझ रहे ना। तो साइन एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बच्चों x की पावर n हो गया ना, तो 2x नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x, क्या लिख सकते हैं बच्चों 2x cos x स्क्वायर, समझ में आ गया ना। तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसी तरह से बच्चों हमें ये हटा देते हैं, साइन एक्स का हो गया, इसी तरह से आपको कॉस का भी करना है, तो कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, d अपॉन dx ऑफ, अब आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन बच्चों इसी तरह से आपको करना है, ये अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, इसी तरह से हमें क्या करना है tan x का ले लीजिए बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसी तरह से बच्चों d अपॉन dx ऑफ कॉसिक एक्स का ले लीजिए तो माइनस का हो जाएगा कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का ले लीजिए बच्चों, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स का ले लीजिए बच्चों, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप देख सकते हैं सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो आपके सामने है। और याद रखिए बच्चों जो सवाल में चेंजेस होंगे ना वो केवल x के स्थान पर होंगे, एज इट इज cos sin tan cos ये सब तो लग के आएगा ही, ठीक है, चेंज यहीं पर होगा, x की जगह बोलेगा cos x स्क्वायर का करो, cos रूट x का करो, cos x क्यूब का करो, या बोलेगा cos ax plus b का करो। तो स्टार्टिंग जिससे हो उसको देखिए, फॉर्मूला बाद वाला x मान के पूरा ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और याद रखिए x का दोबारा होता है, तो x प्लस बी हो या रूट एक्स हो उसका दोबारा करना है, ठीक है। तो इस पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छे अच्छे सवाल लेंगे और उनको लगाएंगे, फिलहाल आज आप ये नोट कर लीजिए और वीडियो को जरूर ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, थैंक यू वेरी मच।